नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। दरअसल अगर बात करें तो सीडब्ल्यूसी की बैठक होने वाली है और सवाल यह है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ी बात खबर निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जी हाँ, एक बार फिर राहुल गांधी को जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है और राहुल गांधी को अगर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो ये काफी हद तक स्थिति अलग ही दिखती नजर आएगी। वैसे हाल फिलहाल की अगर बात करें तो वाकई में राहुल गांधी को एक बार फिर जिम्मेदारी सौंपना, ये तो आने वाला समय बताएगा कि राहुल गांधी जिम्मेदारी को कितने हद तक निभा पाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इतना तो समझ गए हैं कि उन्हें अगर जिम्मेदारियां दी जा रही है तो उन्हें जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। दरअसल काफी समय से कांग्रेस में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी खाली पड़ी थी और कांग्रेस में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी का खाली होना, अध्यक्ष पद पर कोई नेता का ना होना, ये कांग्रेस के लिए बेचैनी बढ़ा रही। तो ऐसे में गांधी परिवार से ही एक बार फिर एक नेता चुना जाएगा। गांधी परिवार के अलावा कोई चेहरा ऐसा नहीं है जो अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को संभाल सके, क्योंकि सोनिया गांधी किसी पर भरोसा इस वक्त करती नजर नहीं आ रही है। हालांकि वो बात अलग है कि खबर सामने आई थी कि प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी दी जा सकती है, उन्हें पद पर बिठाया जा सकता है, लेकिन काफी हद तक स्थिति वो भी क्लियर हो गई कि प्रशांत किशोर तो कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहे। लेकिन अब राहुल गांधी को जिम्मेदारी सौंपना, ये कितना सही रहेगा और कितने हद तक राहुल गांधी जिम्मेदारी निभाएंगे, ये वक्त बताएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।